गुड डे स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल की सक्सेस का क्या रीज़न रहा, क्या वो क्यों सक्सेसफुल रहा। तो पहला उसका पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोहर्स एटॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को प्रॉपरली डिफाइन कर पाया। उसका रीज़न क्या है, देखिए रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो लगातार एनर्जी को रेडिएट करता जाता है, जिसकी वजह से उसका पाथ छोटा होता जाता है और फाइनली वो किस में आकर के, न्यूक्लियस में आकर के मिल जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं था लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली। तो बोहर ने क्या बताया, बोहर ने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में या शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं और वो ना ही एनर्जी का क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करेंगे, ना ही एनर्जी को एमिट करेंगे। तो उनका ये कहना था कि न्यूक्लियस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और वहाँ पर वो ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ना ही एनर्जी को रेडिएट करेंगे। तो इस तरीके से वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब कर पाए। अब देखिए क्या हो गया, दूसरी चीज़, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेनिस ऑर्बिटल्स ऑफ एच प्लस। तो अब देखिए क्या हो गया कि बोहर जो थे कामयाब हो गए थे, सक्सेसफुल रहे थे कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उसको डिफाइन करने में बोहर पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, 2π² m e^4 z² n² h² / h² अब देखिए क्या है, पाई की तो आपको पता ही क्या है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻ kg है ना। e क्या है, e जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। z क्या है, एटॉमिक नंबर है और आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब n क्या है, किस शेल में, नंबर ऑफ शेल है, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। अब देखिए क्या होगा, अगर हम पाई एम ई और एच की वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा 2.18 z² n² जूल पर एटम, या फिर अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करेंगे तो 13.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 जूल = 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर किलो जूल पर मूल में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मानिए कि हाइड्रोजन का एटम है, अगर वो फर्स्ट शेल में है तो एन की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, सेकेंड शेल में है तो एन की वैल्यू 2 रख लीजिए, थर्ड शेल में है तो एन की वैल्यू 3 रख लीजिए। और ये फॉर्मूला केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर एप्लीकेबल था जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो फॉर एग्जांपल हीलियम में 2 होते तो एच ई प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हो जाएगा, Li प्लस 2 इसमें 3 होते तो ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल था। तो यहाँ पर आप एच ई रखेंगे तो यहाँ Z की वैल्यू बदल जाएगी, Li रखेंगे तो यहाँ Z की भी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वो सक्सेसफुल हो गए थे कि जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट की, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस को कैलकुलेट करने में, और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था RnN²h²4π²me²z। तो यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई 22/7 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, सबकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा n² 0.529 × 10⁻¹⁹ meter हो जाएगा। 10⁻¹⁹ meter को हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, फर्स्ट शेल में है तो n की वैल्यू फर्स्ट रख देंगे, और मान लीजिए हाइड्रोजन है तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हाइड्रोजन के लिए हम बात करें, हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन H के लिए बात करें तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1 और N की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर N फर्स्ट शेल में है तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने N को भी क्या रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया, और Z को भी क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो फर्स्ट शेल की जो रेडियस है वो कितनी होगी, 0.529 angstrom, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शेल की भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, जो हमारा हाइड्रोजन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था, या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, उसको भी बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर पाया।
बोहर का एटॉमिक मॉडल ये कहता था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएगा और वो हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा तो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता है, वो 10^-8 to 10^-14 सेकेंड तक ही रुकता है और उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल शेल में वापस आ जाता है, नॉर्मल शेल में वापस आ जाएगा। तो ये बताया गया, तो क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आया कैसे, स्पेक्ट्रल लाइन आई कैसे, तो उसके बारे में पता क्या चला कि जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो दूसरे शेल में चला गया, हाइयर शेल में चला गया, तो उसकी एनर्जी EF थी, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F की जगह, ये फाइनल स्टेट है यहाँ पर, लेकिन F का मतलब होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पर EI है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियल कंडीशन या इन ग्राउंड स्टेट। तो इससे हम क्या निकाल सकते थे, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा था, तो कुछ ना कुछ हीट को रेडिएट कर रहा था, तो जो रेडिएशन था वही हमें स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में एमिट हो रही थी। तो उस एनर्जी को जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उससे ये पता चल रहा था कि क्या हुआ, सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और हाइयर एनर्जी स्टेट में चला गया, और जब वो हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता था तो कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट करता था, और वो जो रेडिएटेड एनर्जी थी वही स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आ रही।